कसरावद रोड स्थित आदित्य इंटरनेशनल स्कूल में रविवार को साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान संबंधित कई मॉडल बनाकर प्रदर्शन किया। कक्षा दूसरी से दसवीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने आधुनिक विज्ञान से ऐप के माध्यम से आवश्यकता अनुसार घर, ऑफिस की बिजली चलना, स्ट्रीट लाइट, सिक्योरिटी सिस्टम, ग्रीन सिटी, सौर ऊर्जा, वाटरफॉल, साइंस मैजिक सहित माइक्रोस्कोप आदि सहित दो दर्जन से अधिक मॉडल बनाकर उनका प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि सहित प्रदर्शनी में आए अभिभावकों ने बच्चों के बनाए विभिन्न मॉडलों की सराहना की। स्पेस वैज्ञानिक रवि कुमार ने बताया, बच्चों के मॉडल सराहनीय हैं, जो आगामी समय में आज के दौर के वैज्ञानिकों की जगह लेंगे। स्कूल संचालक अशोक दीक्षित ने कहा, बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इसमें बच्चों में मोबाइल का सदुपयोग कर तकनीकी मॉडल बनाए हैं, जिन्हें अतिथियों के साथ पालकों की सराहना मिल रही है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। हैंड डिटेक्शन के हाथों को देख के वो लाइट चालू या बंद करता है। जैसे कि आप इधर लैपटॉप में वेबकैम लगा है, इसमें आप अगर दो फिंगर बताओगे यानी कि दो उंगलियां बताओगे तो ये दो LED इसमें जो लाइट लगी है वो दो ऑन होगी, और अगर आप तीन बताओगे तो तीन ऑन होगी, और अगर आप फोर चार बताओगे तो चार। अब हमने इसमें पांच लगाई है, आप जितनी भी लगा सकते हो। और इसमें हमने सॉफ्टवेयर की मदद से पाइथन ऐप यूज़ किया है, और उसमें हमने टिप्स लगाई है, जैसे कि उसे कोडिंग में हमने बताया था कि 4, 12, 16 आ रही है, और अगर हमने अगर उसमें हमने वन फिंगर उठाई है तो वो समझ जाएगा कि फोर है, तो फोर तो वो ओनली वो वन फिंगर बताएगा और वन LED ऑन हो गई ओनली। थैंक यू सर। के अंदर छिपे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बाहर निकालने के लिए आज आदित्य इंटरनेशनल स्कूल ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें विद्यार्थियों ने बड़े अद्भुत मॉडल्स को प्रस्तुत किया है। ऑटो रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, हाउ टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम द डेंजर, भविष्य में होने वाले संभावित खतरों से हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, और किस प्रकार से ह्यूमनॉइड चीज़ें, किस प्रकार से मानव रहित चीज़ें भविष्य में कार्य करेंगी, उसका विद्यार्थियों ने यहाँ प्रदर्शन किया। हमें डॉक्टर रवि शर्मा जी का सदैव सहयोग मिला, उन्होंने विद्यार्थियों को काफ़ी प्रेरित किया था, और जब विद्यार्थियों ने अपने टीचर के साथ प्रिंसिपल ईशा गुरु दत्ता के साथ मिलकर कार्य किया, तो आज इस अचंभित करने वाली सामग्री हमारे सामने आई है। तरीके मॉडल बना, किस तरह का प्रयास है, कैसा लगा? मेरे प्रयास बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय है, और जिस इंटायर स्पेक्ट्रम के यहाँ पे एग्जिबिट्स लगे हैं साइंस के, वो देखने लायक है। तो मैं इस मंच के माध्यम से सभी से, खरगोन वालों, इवन हमारे जितने भी इस एरिया के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस एग्जिबिशन का, विज्ञान एग्जिबिशन का यूटिलाइज करें, और आदित्य इंटरनेशनल में एक बार जरूर इन एग्जिबिशन को आके, जितने भी बच्चे जिन्होंने एग्जिबिट्स बनाए हैं या जिन्होंने इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने आप में एक कमेंडेबल इफर्ट है, आप उनको आके प्रोत्साहित कीजिए। तो मेरी सबसे इंटायर खरगोन जिले के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन टाइम निकाल के ये विजिट जरूर कीजिएगा, और ये अपने आप में एक अद्भुत और अविश्वसनीय प्रयास किया गया है आदित्य इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा। विज्ञान के क्षेत्र में बच्चे बहुत अभी रुचि ले रहे हैं, इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे आज और भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए? आज का मुझे देख के इतना समझ में आ गया है कि भारत राष्ट्र में विज्ञान का भविष्य, अगर मैं बात करूँ तो आज से प्रूफ कर दिया आदित्य इंटरनेशनल के इन बच्चों ने कि भविष्य बहुत ही सुरक्षित है और सुखद हाथों में है। इन लोगों ने आज ये प्रूफ कर दिया है कि अभी इस देश में ना बहुत सारे विक्रम साराभाई या होमी जहांगीर बाबा और अभी APJ अब्दुल कलाम निकलने वाले हैं, हमें सिर्फ उनके नाम बदलने हैं, लेकिन उनका विजन और सोच बिल्कुल वही है जो उनकी थी। सर, रवि कुमार वर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।